त्रिपुरा राज्य के पेचारतल थानाधीन नवीन चढ़ा टेपाचौड़ा इलाके में राइस मिल में कार्य किए जाने के दौरान 12 वर्ष से एक नाबालक की मौत हो जाने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। सूत्र के अनुसार धर्मेंद्र चाकमा नाम के 12 वर्षीय यह युवक एक मिल में कार्य कर रहा था तो राइस मिल में कार्य किए जाने के दौरान उसके गले में लटकाया हुआ गमछा मशीन के अंदर जाया गया, जिसके चलते उसकी सर मशीन के अंदर चला गया और काफी देर तक फंसे रहने पर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। 12 साल के धर्मेंद्र चाकमा धान कूटने की एक मिल पर मौजूद था जहां पर चावल बनाया जाता है और मशीन के अंदर आ जाने से उसकी मौत हो गई। इसके चलते पूरे परिवार सदस्यों में दुखद माहौल देखने को मिली। पिता अवनी सेन चाकमा व माता सकल चश्मा की दिल में मातम का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि नाबालक बच्चे को मिल में श्रमिक के रूप में कार्य करवाए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली है और इस क्षेत्र में मिल मालिक के ऊपर कार्रवाई भी किया जा रहा है, लेकिन एकाएक इस हादसे के चलते लोगों में दुखद माहौल बना हुआ है। पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया है। की नाम? भुवनेश्वर चकमा। अपने छेलेर नाम? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र चकमा। बयस कत हुइबो? साढ़े एगारो बसर। की होइछिलो घटना? घटना तो आमरा जानलाम सर, आमरा कि देखतम आमरा गेछिलाम। कत दिन थेके एखाने आछे? মাসে 1000 টাকা দিত। খাওয়া দাওয়া? খাওয়া দাওয়া মালিকের খাওয়াইতো। স্কুলে পড়তো দিন? খবর কটার সময় পাইছেন আপনি? ধরেন না 10টায় নি না।